खान मेरा नाम है। क्या करते हैं? पेपर सी है वैसे। आपके बच्चे बच्चे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ये आप कमर्शियल मार्केट में। आपके बच्चे क्या करते हैं? वो भी साथ में रहते हैं, वो काम करते हैं गुलिस्तान जोर में उधर इधर। तो जब आपके बच्चे काम करते हैं तो फिर आपको क्या जरूरत पड़ गई इस तरह का? वो इस तरह अपने लिए इस खाते से काम पड़ा है। मैं न किसी का सुनते हैं न किसी को सुनाते हैं। कभी दिल में ये सोचे यार ये वाले बैठ के कहते हम लोग से, ये मेरे को अच्छा नहीं लगते घर में बैठना। अपना आज का मेहनत खाना कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। मैं शोरों से किसी का ये नहीं। कितना वक्त हो गया आपको यहाँ पे दुकान चलाते हुए? 14 साल हो गया। 14 साल पे क्या मुश्किलात पेश आई आपको इधर दुकान चलाते हैं? नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये सब मुश्किलात से बचाया। और बस खाली ये कैंसी वाला जो था धमकियाँ देता था बस। यह जब कारसाज में धमाका नहीं हुआ बेनजीरे के ऊपर, उसे में गया, उसमें भी नहीं गई। तो उसके बाद से आप ये दुकान चला रहे हैं। हाँ, किस तरह मुश्किलात वगैरह होती हैं? क्यों मुश्किलात क्यों नहीं होते हो? करना बर्दाश्त करना पड़ते मेरे भाई। तो कैसे पता चलता है आपको कि हम कोई कस्टमर आते हैं कोल्ड ड्रिंक दे रहे हो? आपके पास स्ट्रिंग भी है माशाल्लाह, 7-Up भी है, मतलब काफ़ी वैरायटी मौजूद है। तो किस तरह आपको अंदाज़ा होता है कि कौन सी कस्टमर ने मांगी और मैं कौन सी दे रहा हूँ? हाँ, वो कस्टम वाला बोल रहे ये भाई मेरे को स्ट्रिंग दे, मैं स्ट्रिंग निकाल के दे रहे थे। वो बोले पेप्सी निकालो, पेप्सी निकाल देते। ये सब मैं अब नाच से रखा होता है, इधर जेब में रखते ये इधर रखा है, ये उधर रखा है। अच्छा, आपने बोर्ड लगाया हुआ जिसमें आपने वजीर आला सिंध डीजी रेंजर से और जो है KMC वालों से सबसे गुजारिश की हुई है, मेयर कराची तक से गुजारिश की हुई है कि आपके जो है आपका साथ दिया जाए, आपको तंग ना किया जाए। तो कौन किस तरह तंग किया जाता था, क्या बोलते थे KMC वाले आके आप? ऐसे आता था बोले ये ठीक पटारी नहीं लगना चाहिए। फिर मैं उसको बोलता था भाई मैं मजदूर आदमी है, मेरे को नहीं तंग करो। वो नहीं मानता था। फिर मैंने ये बोर्ड लगाया। वजीर आला साहब कल आपके पास आए थे तो उन्होंने आपसे क्या कहा? क्या उसने बोला क्या मुश्किलात है? मैंने अपना मुश्किलात उसको बताया। उसने बोला इंशाअल्लाह ताला इसका बाद ये तुम्हारे को कोई आदमी तंग नहीं करेगा, लंबर भी देखेगी या सब कुछ देखेगी। जवानी तो मेहनत करके गुजारी और अब बुढ़ापा भी मेहनत करके गुजार रहे हैं ताकि जवान औलाद का ताना ना सुनना पड़े। कारसाज बम धमाके में इनकी आंखें चली गई थी, जब से ये शख्स आंखों से नाबीना है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि सिंध हुकूमत का बाबा के हालात से वाकिफ होने के बावजूद इनके लिए कुछ ना करना एक सवालिया निशान है। कैमरा मैन एहसन अली के साथ हम माज यूसुफ, वीओ की न्यूज़ कराची।